नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्किन साइन क्रीम के बारे में जानेंगे। स्किन साइन क्रीम का इस्तेमाल हम किस समस्या के लिए करते हैं और क्या हम इस क्रीम का इस्तेमाल गोरा होने के लिए कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, और क्या क्या इस क्रीम से फ़ायदे होते हैं, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। अगर आप स्किन साइन क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर करने की सोच रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। स्किन साइन इन तीन दवाओं से मिलकर बनता है, हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोन और मोमेटासोन, जिसमें से हाइड्रोक्विनोन का मुख्य काम होता है चेहरे के दाग धब्बों को कम करना, चेहरे पर काले रंग के धब्बों को कम करना, बॉडी के स्ट्रेच मार्क को कम करना, और ट्रेटिनोन का मुख्य काम होता है चेहरे के रोम छिद्रों को भरना। आप सोच रहे होंगे दोस्तों आपके रोम छिद्र क्या होते हैं। रोम छिद्र चेहरे पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो कि 25 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों में ही पाए जाते हैं। ट्रेटिनोन इन गड्ढों को भरने का काम करता है। मोमेटासोन स्किन एलर्जी को ठीक करने का काम करता है, जैसे कि चेहरे पर लाल चकते होना, मुहासे होना, चेहरे पर खुजली होना, इन सभी समस्याओं के लिए हम मोमेटासोन का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इस क्रीम के अंदर इन तीनों दवाओं का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, तो अगर आपको इस तरीके की समस्या है तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है हमें इस क्रीम का इस्तेमाल किस तरीके से करना है जिससे कि हमें कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो दोस्तों इस क्रीम का इस्तेमाल हमें रात को सोते समय करना है। सबसे पहले अपने चेहरे को साबुन से धो लेना है। जब आपका चेहरा पूरी तरह सूख जाए उसके बाद में आपको इस क्रीम को हल्के हाथों से अपने चेहरे से लगाना है और सुबह ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। इस क्रीम का इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन ही करना है, उसके बाद हमें धीरे धीरे इसको बंद कर देना है, और नहीं तो आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले सकते हैं। इस तरीके से आप इस क्रीम का इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपके चेहरे पर अच्छा खासा ग्लो आ जाएगा। अगर आपका चेहरा हल्का सा सांवला है तो आपका चेहरा एकदम से लाइट दिखने लगेगा। जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपको इस क्रीम को बंद कर देना है। अब दोस्तों बात आती है इस क्रीम से साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर इसका साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि आप धूप वगैरह में निकलते हो तो आपके चेहरे पर खुजली हो सकती है, चेहरे का लाल लालपन भी हो सकता है, बस यही इससे साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप इन साइड इफेक्ट से बचना चाहते हो तो जब भी आप धूप वगैरह में निकलो तो अपने चेहरे को कवर करके निकलिएगा, तो कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। जब आपकी परेशानी सॉल्व हो जाए तो उसके बाद में आपको इस क्रीम को बंद कर देना है। तो दोस्तों बस यही इस आज के वीडियो में था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।